राजू, कंचन, हर्षा, एवरीवन गुड मॉर्निंग। आई एम ऑडिबल बच्चों? यस और नो? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके जान, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, ये खबर तो हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि भैया 25% सिलेबस तो कम हो चुका है ना, 25% सिलेबस कम हुआ, कैसे कुछ सुन लिया, कैसे कुछ सुन लिया सर, ये क्वेश्चन चले गया सर, ये चैप्टर चले गया, है ना। तो आज बच्चों हम देखने वाले इकोनॉमिक्स और हमारे जो 12th का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12th जो है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से कितना सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया, और कौन से टॉपिक है जो रिड्यूस करने के बावजूद भी मेरा ओपिनियन ये है कि आपने उसको रीड करना चाहिए, है ना। तो चलो, जिनके पास बुक्स नहीं होंगी बच्चों वो अपनी बुक्स ले लो वहीं पे अभी फटाफट। बुक्स अगर आपके पास बोर्ड की बुक्स है तो वो ले लो, या अपने क्लास की नोट्स होगी तो आप वो भी ले सकते हो। क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना है और उसको टिक करना है कि कौन से 25% सिलेबस में रिड्यूस हुआ। अब रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज सभी को पता है कोरोना आ चुका था, अभी अभी भी है कोरोना एग्जिस्ट में, और कोरोना के चलते हुए जो एग्जाम फरवरी में होना चाहिए, 21 फरवरी से नॉर्मल एग्जाम्स होती है, बट वो एग्जाम पोस्टपोन करी, जो कि मई में मे भी आएगी, 15 अप्रैल के बाद नया टाइम टेबल आएगा और वो हिसाब से हमारी 12th की एग्जाम होने वाली है स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र की। अब बात आती है कि इतना सिलेबस ऑनलाइन में कवर होगा क्या? बट ऑब्वियसली समय ज्यादा था, कवर हो सकता था, बट बच्चों पे प्रेशर ना आए वो कारण को ध्यान में रखते हुए हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड है इन्होंने क्या किया, 25% सिलेबस ये साल। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 11th वाले भी बच्चे हैं, कुछ जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं, बट आपको बता दूं ये सिर्फ ये साल में जो 12th अपीयर है जिनकी एग्जाम 2020-21 यानी अभी जो एग्जाम आने वाली है अप्रैल महीने के बाद, वो ही बच्चों के लिए ये रिड्यूस कितना हुआ सिलेबस उनके लिए है, ना कि 2022 में जो एग्जाम आएंगे उनके लिए ये नहीं है। आपको बच्चों पूरा सिलेबस एज इट इज आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बट सिर्फ जो अभी ये साल में 12th में अपियर है और उन लोगों के लिए 25% सिलेबस इकोनॉमिक्स में क्या कम हुआ, कैसे कम हुआ, कौन से चैप्टर्स कम हुए, कहाँ से कैसे कम हुआ, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों हमारा जो इकोनॉमिक्स है 12th का वो अभी देखने वाले हैं। देखो मैंने अभी बोर्ड की बुक्स ली, ये हमने बुक्स क्यों ली, बिकॉज नॉर्मली ये बुक सभी के पास होती है और आप चाहे तो अपने क्लास की नोट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक जो है बच्चों हमारा, अगर हम देखते हैं तो 25% सिलेबस में क्या क्या कम किया। अभी जो हमारे चैप्टर्स है वो तो एज इट इज रखे उन्होंने, चैप्टर्स में कुछ भी कम नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो हमारा सिलेबस है ये बच्चों हमारा सिलेबस रहा, और ये जो सिलेबस है इसमें पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, साथ ही साथ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये जो टोटल 10 चैप्टर है बच्चों। आपको एक चीज मैं बता दूं, 10 चैप्टर पूरे एज इट इज है। फिर आप बोलोगे सर कम तो कुछ हुआ नहीं, अगर 10 चैप्टर है तो फिर कम क्या हुआ? तो यस, वो बहुत सारी चीजें बच्चों उन्होंने रिड्यूस की है आपको, बट एकदम से चैप्टर नहीं कम किए, जैसे आप उन्होंने अकाउंट में किए कुछ जगह उन्होंने डायरेक्ट चैप्टर क्या कर दिए रिड्यूस किए, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही ऐसा है। नॉर्मली अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक्स ये जनरल सब्जेक्ट है बच्चों, विच इज रिलेटेड विद द सोसाइटी, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ध्यान में लिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ने जैसा है, इसलिए इसमें से कोई भी टॉपिक कम करना ये ठीक नहीं रहेगा, और इसीलिए बच्चों उन्होंने जो मेन टॉपिक से उसको भी रखा और जो बाकी अदर टॉपिक है यानी हमने जो चैप्टर्स 1 से 10 है ये पूरे के पूरे चैप्टर बच्चों आपको एज इट इज है, उसमें कोई भी चैप्टर पूरी कंप्लीटली पूरी तरह से उन्होंने रिड्यूस नहीं किया। तो फिर सर अब आप बता रहे हो कि सभी चैप्टर अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर रिड्यूस क्या किया? यस, सभी चैप्टर बच्चों 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस उन्होंने इसमें के कुछ पोर्शन किया, वो पोर्शन क्या क्या किया मैंने ऑलरेडी टिक करके रखे हुआ है। अब सभी अपने नोट्स ओपन कर लो बच्चों, अभी हम मैं जहां पे बोलूंगा वो पेज पे आपको चलना है, जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन को आपको टिक करना है, उसको कट करना है। अभी हम पूछते बच्चों पहला इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, आई होप सभी ने अपना पेज नंबर 1 ओपन कर लो बेटा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पेज नंबर 1 पे चैप्टर नंबर 1 होगा, और जो बुक ओपन कर रहे हैं बच्चों बुक पे आप देखो जो पेज नंबर 1 यहाँ पे भी पेज 1 ही है। चलो सब जन रेडी है तो चलो फटाफट, अब पेज नंबर 1 पे जो पहला है बच्चों यू शुड नो, अब नॉर्मली यू शुड नो इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल रिव्यूज दे हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो पहले ऐसा होता था नॉलेज के लिए बच्चों हम लोग ये रीड करते थे ना, बट अभी ये साल रिड्यूस कर दिया उन्होंने, तो यू शुड नो ये आपको पूरी तरह से कट करना है बच्चों, ये सिलेबस में कहीं पे भी नहीं आएगा, ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको ये साल पूछा जाएगा।
तो यू शुड नो, आपको ये पूरा का पूरा देखो बच्चों आपके स्क्रीन पे जो बैक साइड में दिख रहा है ये पूरा आपको क्या करना है, कट करना है यू शुड नो से। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ तक पेज नंबर 2 पे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर तक आपको पूरा का पूरा बच्चों कट करना है। मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ चलते चलते आपको जो भी कट करना है वो उसको कट करो बेटा, जो मैं बता रहा हूँ। और यस, अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चलते होंगे सर कंपल्सरी ये नहीं आएगा, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो या नहीं। हाँ बच्चों, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एज पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इनकी जो गाइडलाइन आई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो बताया कि कितना सिलेबस रेडी हुआ, उनका जो नोटिफिकेशन उन्होंने सर्कुलेशन जारी किया था, वो हिसाब से ही मैं आपको सभी टॉपिक जो क्वेश्चन है वो कट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आई होप ये सभी ने कट किया होगा। अब हमें चलना है नेक्स्ट पेज पे, तो सभी मेरे साथ चलो बच्चों, पेज नंबर जो है आपका 3rd निकालना है आपको, पेज नंबर 3rd पहुंच चुके सभी। तो देखो पेज नंबर 3rd पे अगर आप पहुंचते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, आप जिनका मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम होगा वो भी ये वीडियो देख के बच्चों इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ये चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको अपडेट तो मिलेंगे, बट साथ ही साथ जिनका मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम है वो बच्चे भी ये नोट्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस, या आपका हिंदी मीडियम मराठी मीडियम में जो भी इकोनॉमिक्स होगा आप उसमें कितना परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ इसको ध्यान में रख के आप उसको भी रिड्यूस ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा पेज नंबर 3 पे बच्चों, इसको पूरी तरह से आपको कट करना है। और ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, इसके 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट तक आपको कट करना है, यानी आपको पेज नंबर 3rd, पेज नंबर 4th पे कुछ पॉइंट जा रहे हैं बच्चों इसके, तो वहां तक आपको इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कट करना है। आप डायरेक्टली उसको कट कर दो, ये साल के सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाले। हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, इसका मतलब है बच्चों 100% नहीं आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं कि सर फिर आ गया तो नहीं। बच्चों कुछ भी ऐसा मत सोचो, आप बिंदास बिल्कुल कट कर दो, हमें उसको नहीं रीड करना है। बट मैं फिर भी बताऊंगा, नॉलेज के लिए आपने एक बार उसको रीड करना चाहिए, बट इस पे क्वेश्चन सिलेबस पे सर ये सिलेबस पे क्वेश्चन आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ इस पे क्वेश्चन वो ये साल के आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बिकॉज ये बेटा पूरी तरह से कट किया, उनका जो सर्कुलेशन जारी हुआ उसमें वो देवा है। ओके चलो चलते हम हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो फिर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपको, ये सभी क्वेश्चन है। अब चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5 पे आ जाओ सभी जन। सभी जन पहुंच चुके 5 पे, वेरी गुड। अब 5 नंबर का जो पेज है उस पे आप देखो, वहां पे भी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस पहले भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो है इसलिए मैं पेज नंबर बार बार बता रहा हूँ बच्चों आपको। पेज नंबर जो बुक की बुक फॉलो कर रहे हैं बच्चों, वो पेज नंबर कौन सा है, 5 पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम, ये सभी को बच्चों आपको कट करना है। और वो कट कहां तक करना है, आपको लास्ट तक करना है लेवल, यानी इसके भी देखो पेज नंबर बच्चों ये 6 पे भी जा रहा है, वहां तक आपको उसको पूरा का पूरा कट करना है। साथ ही साथ माइक्रो और मैक्रो ये जो डिस्टिंग यू शुड नो है, इसमें जो डिस्टिंक्शन देवा दोनों में, यू शुड नो भी आपको पूरी तरह से कट करना है, यू शुड नो पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा 2 क्वेश्चन इसमें कट हुए प्लस 2 यू शुड नो, ये कट हो गया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चों, यूटिलिटी एनालिसिस, पेज नंबर है उसका 8। सभी मेरे साथ, सभी को चलना है, अगर कोई छूट जाता है तो वीडियो फिर से आप देख के उसको कट कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर जो 2nd है बच्चों, यूटिलिटी एनालिसिस, अब ये चैप्टर क्या बता रहा है, इसमें क्या कट हुआ क्या नहीं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सभी साथ में बेटा वही क्वेश्चन कट करना है जो मैं बोल रहा हूँ, और इसका मतलब है अगर इंपॉर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कट हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो कन्फर्म है। तो यूटिलिटी अप्रोच पेज नंबर देखिए, अब इसमें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ये तो सभी है यहाँ पे, ये सभी दिया उन्होंने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वगैरह। तो फिर सर इसमें कट क्यों हुआ, तो बच्चों पेज नंबर 11 पे आ जाओ सभी जन, पेज नंबर 11, यू शुड नो नॉर्मली सर हम तो ये पढ़ते ही हैं, आप बोल तो रहे हो कट करने के लिए, लेकिन हमने पहले भी नहीं रीड किया सर, और अभी भी हम रीड नहीं करने वाले थे। तो आई नो यार बेटा, मुझे भी ये पता है कि यू शुड नो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रीड नहीं करते हैं, बट उन्होंने जो दिया वो हिसाब से मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, यू शुड को आपको क्या करना है, कट करना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो फिर सर, ये चैप्टर में कुछ कट हुआ क्या,
हाँ सर हुआ क्या? यस बेटा, ये चैप्टर में भी कुछ कट हुआ है फिर सर। सिर्फ यू श्योर हुआ क्या? नहीं बेटा, आगे देखो क्या देवा है और आगे जो देवा है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो बच्चों वो है पेज नंबर 14 पे, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ वो जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों पेज नंबर 14 पे। सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कट हुआ है, तो ये हुआ है वही पे साइड में देखो आप ऊपर, यूजफुल टू द गवर्नमेंट बेसिस ऑफ अ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एंड बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहां तक बच्चों आपको ये क्वेश्चन को पूरी तरह से क्या करना है, कट करना है। ये आपको सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे ये साल 2020-21 के एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में बच्चों हमारा जो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर, इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं। अब आ जाओ बच्चों, आप लोग आ जाओ 3.1 जिसको हम बोलेंगे चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कट करने के पहले आपको बताऊंगा बेटा ये चैप्टर आपने पूरा रीड करना चाहिए, क्योंकि डिमांड जो होता है ना बच्चों ये हमारे सोशल जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसमें हम देखते हैं डिमांड क्या होती है क्या नहीं है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकली ऐसा नहीं सिर्फ कॉमर्स वालों पे, साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी फील्ड को हमारे डिमांड पर हम करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो अभी ये रह जाएगा साइड में और हमारा टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। डिमांड एनालिसिस बच्चों सब जन यहाँ पे आ चुके होंगे। अब इसमें क्या कट हुआ सर, तो इसमें देखो आगे पेज नंबर आपको निकालना है 19 बच्चों, पेज नंबर 19 पे पूछे सभी। यस, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन कट करना है, रीजन जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर एज फॉलोस। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये साल आपको नहीं पूछने वाले हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, तो रीजन जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर एज फॉलोस। अपने क्लास के जो नोट्स बनाए हुए बच्चों उसमें से ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको रिमूव करके देवा था, ठीक है ना। तो अभी बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड की जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको रिड्यूस करना है। तो ये कहां तक करना है, तो ये पेज नंबर बच्चों 19 पे स्टार्ट हो रहा है और यहां से आपको इसको कट करना है। तो ये ऊपर तक जिसके 5 पॉइंट है बच्चों यहां तक आपको इसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी साथ में। चलो अगर कोई पीछे रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। हाँ बच्चों अपने क्लास के नोट्स में नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी आपको मैंने कट करके दे दी नोट्स है, ठीक है ना। आपको जब सिलेबस 25% रिड्यूस करके आ गया था तब वो नोट्स आपको सप्लाई यानी जो भी उसके जितने भी चैप्टर्स है क्वेश्चन है, चाहे वो डिमांड का हो लॉ ऑफ सप्लाई हो या जिसमें आपको वो क्वेश्चन नहीं दिखेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी कट करके दे हुए, समझा क्या अक्सा, आयशा, पूजा अग्रवाल, चलो ठीक है, हर्षा बजाज, सभी को ध्यान में आ रहा है। चलो तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 21 के बाद में। आगे देखो पेज नंबर 22 पे कुछ नहीं चेंजेस हुआ, 23 में भी सर उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया, 24 में भी नहीं। अब ये जो पेज नंबर बच्चों 25 है ये मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले तो नहीं थे, यू शुड नो, ये जो है ये आपको पूरा का पूरा कट करना है। पेज नंबर 25 इसमें यू शुड नो है, ये आपको पूरी तरह से क्या करना है, रिड्यूस करना है, कट करना है। सर वैसे भी तो हम कहाँ पढ़ते थे सर इसको, बिकॉज हमने तो कभी रेड भी नहीं किया है ना, तो आप बोल तो रहे हो बेटा मुझे जितना वहां पे अपने को नोटिफिकेशन मिला वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे जो इसको रीड कर दे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं इस पे वैसे भी क्वेश्चन तो पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आएंगे, बट उन्होंने बोला सिलेबस 25% कट करने बोला, तो 25% में ये भी कुछ पोर्शन है जो आपको कट करना है। यहाँ पे 3.A हमारा बच्चों कंप्लीट हुआ। अब 3.B जिसको बोलेंगे या चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर सर अब इसमें क्या कट करना है हमें बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है जो डिमांड से रिलेटेड है, और इसको वेटेज देखे जाओ तो बच्चों वेटेज भी ज्यादा है ना। तो अब इसमें भी देखो अगर आप पेज नंबर 27 पे, आई होप सभी पहुंच गए, पेज नंबर 27 निकालना है आपको। इस पे भी यू शुड नो वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कट करना है, पॉजिटिव इनकम, इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम एंड जीरो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, कट। यू शुड नो जितना भी है वो आपको यहाँ पे अभी कट करना है पेज नंबर 27 पे। और साथ ही साथ पेज नंबर देखो 28 पे भी बच्चों यू शुड नो वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएगा, पहली बात तो इस पर पहले भी नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछोगे, बट अभी उन्होंने क्लियरली दिया कि सर इस पर हम क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, तो इसलिए आप इसको कट कर सकते हो। आगे साथ ही साथ बढ़ते आगे, मेरे साथ चलते रहो सभी बच्चे। अब पेज नंबर निकालना है बच्चों आपको 33, पेज नंबर निकालना है आपको 33 नंबर के पेज नंबर पे। चलो फटाफट 33 नंबर का पेज निकालो, उसमें देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिमांड के
इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और हमने अभी हमारी जितने भी बैचेस होती है हमने सभी बैचेस को ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया था, बिकॉज ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ये नॉलेज के लिए होना चाहिए। ठीक है, आप अगर सर मैं बोलता हूँ सर ठीक है भैया ये रिड्यूस कर दिया हमने, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तो हम तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, बट आगे चल के अगर आप आफ्टर 12 सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, तो वहां पे ये कहना कि आपको बच्चों आने वाले क्वेश्चन से और वहां पे आपका बेस पक्का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने इसको एक बार में रीड करना चाहिए ना। तो मेरे बैच में तो मैंने मेरे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको तो मैंने अभी ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तो लेकिन अभी क्या करना है, जिनको पढ़ना है वो रीड कर सकते हैं, बिकॉज आगे चल के ये फ्यूचर में आपको काम में आएगा। तो अभी एज पर हमारे एग्जाम के हिसाब से 2020-21 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कट करना, ये आपको पूछे नहीं जाएगा, इस पे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसके टोटल कितने पॉइंट है, तो सर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7 और वही पेज पे 8-9 ये यहाँ तक आपको कट करना है, और इसमें भी यू शुड नो आपको टोटली कट करना है बच्चों, तो ये आपको नहीं आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ आगे देखो पेज नंबर बच्चों 34 दे हुआ है वहां पे, दिखा जाओ आपको पेज नंबर 34, बुक के पेज नंबर 34 पे चलो, और वहां पे अगर आप चलते हो तो देखो वहां पे जो क्वेश्चन दे हुआ है क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांगनी के लौचिक के क्या है इंपॉर्टेंस। मैं ये हिंदी मराठी में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता है मराठी मीडियम और कुछ हिंदी मीडियम से है, तो उनको भी यहाँ पे हेल्प हो जाएंगी कि आप भी बच्चों क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांगनी चल औचित्ता ची महत्व, ये क्वेश्चन आपको कट करना है, ये आपको सिलेबस में इस साल पूछे नहीं जाएगा 25% में, ये भी आपको कट करना है। ये कहाँ से कट करना है, तो ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक बच्चों आपको कट करना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे, हमारा यहाँ पर थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सर फिर सप्लाई एनालिसिस में क्या कट होने वाला है, चलो ठीक है भैया देखते हैं, बट मैं तो ये भी बोलूंगा अभी भी डिमांड और सप्लाई ये दोनों आपने पूरे क्वेश्चन रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको अच्छे से। ठीक है ना, सप्लाई एनालिसिस पे चलते बच्चों, पेज नंबर 37 पे कुछ नहीं, 38 पे नहीं है, हाँ दिख गया सर, चलो चलो भैया खुश हो जाते हैं आप लोग ना, आपको तो लगता है सर कितने क्वेश्चन कार्ड होना चाहिए उतना अच्छा है सर, थोड़ा सा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क लेंगे, नहीं बेटा कुछ चीजें आपको नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपने नॉलेज तो भी लेना ही चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, चलो अब हम पहुंच गए डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, अब ये कौन से पेज नंबर पे सर, ये 39 नंबर के पेज पे है सब जन, चलो 39 नंबर का पेज जो है वो ओपन करना है आपको, उस पे देवा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई यानी पुरोठा निर्धारित करने घटक कौन थे, है ना, तो वो जो है बेटा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कट करना है, ये आपके इस साल के सिलेबस में एग्जाम में पूछे नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ से कट करना है सर, हमें ये क्वेश्चन नंबर कट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये पॉइंट है बच्चों 8, यानी आपको लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर तक कट करना है ना, लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसके ऊपर तक आपको कट करना है बच्चों ये क्वेश्चन। चलते फिर आगे, लॉ ऑफ सप्लाई आपको पूरा है, नेक्स्ट पेज देखो बच्चों 40 पे कोई कट नहीं करना है, 41 पे कुछ भी कट नहीं करना है, उसके बाद में 42 पे भी नहीं करना है, चलो आगे आगे सर, रुको रुको सर, कुछ तो भी दिख रहा है हमें ना, स्क्रीन पे दिख रहा है सर हमें, अरे इतनी घाई मत करो बच्चों, देखो आराम से चलते हैं, यू शुड नो यहाँ पे भी बच्चों आपको क्या करना है, कट करना है, पेज नंबर जो है वो हमारा पेज नंबर है 43 पे, पेज नंबर पे आपको यू शुड नो है वो पूरी तरह से क्वेश्चन कट करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। चलो नेक्स्ट सर, वो तो हम पढ़ते ही नहीं थे, है ना, अब जो है बच्चों 5 नंबर का चैप्टर पहुंचो, चलो फटाफट आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमें पहुंचना है, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी मार्केट के कौन कौन से प्रकार से, मेरे हिसाब से तो पूरा रीड करना चाहिए क्योंकि आगे आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर लेते हो आप, बीकॉम लेते हो, बीबीए लेते हो या एमबीए करते हो आगे चल के, है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन आप एमबीए करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा बच्चों, तो इसलिए ये साल आपको जो 12th में सिलेबस ये पूरा बेस है, पूरा डिटेल है, आगे आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन होगा, तो मैं कट क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो नहीं बता रहा हूँ, बट इतना जरूर बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपने पूरा अभी करना चाहिए, फॉर्म ऑफ मार्केट आपको पता होना चाहिए। फिर सर इसमें क्या कट हुआ, तो चल रहा है भैया बेटा वेट कर थोड़ा सा, हाँ सर दिख गया पेज नंबर बच्चों 49 निकालना है आपको, पेज नंबर 49 आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 49 निकालो बच्चों। फिर सर कौन सा क्वेश्चन है, हाँ टाइप्स ऑफ मोनोपोली, तो टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 49 पे, इसको पूरी तरह से कट करना है, प्राइवेट मोनोपोली, उसके बाद में बच्चों लीगल मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली,
ये सभी को आपको क्या करना है बच्चों, कट करना है, ये रिड्यूस हो चुका है 25% में। और प्लस आपको बताइए, यू शुड नो सर, आई नो, क्या नो बेटा, कि मैं तो ये पढ़ता ही नहीं हूँ सर, तो मैं तो इसको वैसे ही कट करने वाला था सर, अब आप बोल रहे हो तो इसको और अच्छे से कट करने वाला हूँ, चलो ठीक है। तो पेज नंबर 49 पे बच्चों टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी कट करना है, वो आपको ये साल के सिलेबस के हिसाब से निकाल दिया गया। तो चलो 50 पे कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, तो ये चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था वो हमने कट किया। अब आ जाते हैं बच्चों इंडेक्स नंबर पे। सर ये क्या था सर, ये तो समझ भी नहीं आ रहा था मुझे पहले भी। तो बच्चों आपके जाने के लिए बता दूं, क्रैश कोर्स की बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, और उसमें हम 75 डेज का एक टारगेट रखने वाले हैं, जिसमें आप चाहे तो 12 जनवरी से हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें हम पूरा पोर्शन जितना भी आपका 25% रिड्यूस करने के बाद में 75% सिलेबस बचे हुआ है, वो 75% सिलेबस के हिसाब से वो बैच हम लोगों ने डिजाइन की है, दैट इज कॉल्ड 75 डेज बैच, है ना। तो वो स्टार्ट हो रही है 12 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाली है। आप चाहे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, उसके अपडेट ले सकते हो, और क्रैश कोर्स की जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलो चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं हम, इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर क्या है सर, तो बच्चों इसमें डू यू नो आपको पता है क्या, नहीं पता है ना तो कट करो उसको, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, चलो ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, डू यू नो वाला जो लिखे हुआ है वहां पे उसको कट करना है। सेकंड, यू शुड नो पेज नंबर 53 चैप्टर नंबर बच्चों 6, इस पे डू यू नो एंड यू शुड नो ये पूरा का पूरा आपको कट करना है, ये क्वेश्चन आपको इस पे पूछे नहीं जाएगा। साथ ही साथ देखो बच्चों नीचे दे हुआ है डू यू नो, फिर से 54 पेज नंबर 54 पे दे हुआ है, उसको भी आपको कट करना है, ओके। चलो लेट स्टार्ट, आगे चलते हैं हम। सर यहाँ पे भी तो दे हुआ है, हाँ बेटा 55 पे पहुंच रहा हूँ मैं, 55 जो पेज नंबर है उस पर भी आपको क्या करना है, डू यू नो ये जो है ब्रैकेट बॉक्स में दे हुआ है, ये आपको क्या करना है, इसको कट करना है, ये भी आपको इस पर कुछ भी नहीं पूछे जाएगा। तो चलते हम आगे फिर सर, क्वेश्चन कौन सा कट हुआ ये चैप्टर में, क्योंकि डू यू नो तो हमने देख लिया। हाँ सर दिख गया, हाँ दिख गया बेटा, कौन से पेज नंबर पे पहुंचना है आपको, पेज नंबर है 58। चलो फटाफट, चलो फास्ट हो रहा है तो बताओ मुझे कि सर फास्ट हो रहा है। पेज नंबर 58 पे देवा है बेटा लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस, है ना। तो इंडेक्स नंबर के लिमिटेशन ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये है पेज नंबर, आप निकालो 58 पेज नंबर पे लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको कट करना है, इसको रीड नहीं करना है, ये सिलेबस में इस साल आपके एग्जाम में कम कर चुके हैं। ये कहाँ तक रीड करना, आखिरी तक रीड करना बच्चों, जब तक वो चैप्टर है, इसमें टोटल 8 पॉइंट है, 8 के 8 पॉइंट हमें 59 पेज तक कट करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा इंडेक्स नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सर हम नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम तो बहुत अच्छा टॉपिक है, देखो बच्चों कितना प्यारा वहाँ पे उन्होंने फोटो भी दिया कि सब इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं ना, और इकोनॉमी देखो ग्रो दिखाई भी है ना वहाँ पे। यस नेशनल इनकम है बच्चों हमारा, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से लिया था। अभी चलते हैं फिर, इसमें क्या कट हुआ सर। तो चलो 62 पे तो कुछ दिख नहीं रहा सर, 63 पे कुछ दिख रहा है। हाँ चलो बच्चों 63 नंबर का पेज निकालो फटाफट, फिर 63 पे क्या दिख रहा है आपको, तो 63 पेज नंबर पे आपको दिख रहा है डू यू नो एंड यू शुड नो। सर ये पढ़ी नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है सर, आप बार बार बता रहे हो डू यू नो बेटा, हम तो एक साथ सर सभी डू यू नो और यू शुड कट कर देंगे। नहीं बेटा कुछ जगह आपको कट नहीं करना है, बट वो नॉलेज के लिए रीड करना है। फिर सर उस पर क्वेश्चन आएगा कि नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट उसका अगर आप रीड करोगे तो जो उस पर बेस क्वेश्चन है वो जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तो आपको फिलहाल में कट करना है पेज नंबर 63 पे, और फिर चलते हैं आगे। 64 में कुछ चेंजेस नहीं है, 65 में भी चेंजेस नहीं है सर, 66 पे नहीं है सर, हाँ हाँ सर 67 पे कुछ दिख गया, हाँ बेटा दिखना ही है 67 पे, वही है यू शुड नो। सर फिर आप एक साथ बता दो क्या हमने यू शुड नो पूरे कट करा, नहीं बेटा आराम कर भाई मत कर, 25% हुआ 50% नहीं है ना। तो चलो आगे, तो बच्चों पहुंच गए हम 68। सर यहाँ पे तो कुछ बड़ा दिख रहा है, हाँ बेटा बड़ा ही है, क्या है तो यहाँ पे देखो पेज नंबर जो 68 है उस पे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन जो है बच्चों पूरी तरह से हटा दिए गए ये साल के आपके एग्जाम में जो रिड्यूस किया गया 25%। अब आप बोलोगे सर बार बार आप बोल रहे हो, हाँ बेटा बार बार इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर 11th वाले भी कुछ बच्चे हैं जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं ना, अगर ये लेक्चर 11th वाले देखेंगे तो वो भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बोलेंगे सर आपने तो कहा था। तो बच्चों ये बता दूं अभी जो 12th में अपीयर है ये सिर्फ उनके लिए है, ये रिड्यूस करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम ये जो क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 68 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपको पूरा का पूरा रिड्यूस करना है, कैंसिल करना है उसको, वो नहीं आने वाला है। फिर एक्सरसाइज चालू हो रहा है, चलो ठीक है भैया आ जाओ चैप्टर नंबर 8 पे, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, चैप्टर नंबर 8 पे पूछो जल्दी से पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। फिर सर यहाँ पे कौन से क्वेश्चन कट हुए, चलो देखते हैं बच्चों।
स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा दिख रहा नहीं मुझे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 80 पे, 71 पे भी नहीं दिख रहा। सर कुछ तो दिखा है? हाँ बेटा दिखा मुझे भी, पेज नंबर 72 निकालो सब्जेक्ट। चलो पूछो फटाफट, पेज नंबर 72, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन, अब देखो बच्चों एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छे से देखना, यहाँ पे देखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको रीड करना है, लर्न करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। बट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को किस तरह से क्लासेस में डिवाइडेड करे हुआ है, जैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कौन कौन से टाइप भी बोल सकते हैं आप उसको, तो वो आपको जो क्वेश्चन है बच्चों ये कट करना है, कौन सा वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको कट करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कट नहीं करना है बच्चों, नहीं तो भाई गड़बड़ करोगे, कट कर दोगे सर हमने तो देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने सिर्फ इतना ही सुना था। नो, अभी भी ध्यान दो अच्छे से, घाई गड़बड़ नहीं करना है बच्चों कट करते वक्त, क्योंकि एक भी अगर इसका आप समझ लो जो 25% क्वेश्चन या जो सिलेबस है जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, वो नहीं आगे, बट इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो 75% वाला है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है वहां पे, क्योंकि इसका मतलब है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जो क्वेश्चन है अवेलेबल वो आने ही वाला है, और अगर गलती से आपने उसको भी कट कर दिया तो व्हाट हैपन, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा और आपको आएगा नहीं, और आप तो बोलोगे सर यार हमें तो लगा ये भी कट था, तो इसमें घाई नहीं करना है आपको, जो बोलता हूं बेटा उतना ही क्वेश्चन आपको कट करना है, क्योंकि जो सिलेबस चले गया इसका मतलब है जो बचे हुआ है वो 100% आने वाला है। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। फिर सर क्या नहीं आएगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ये नहीं आने वाला है, प्लस डू यू नो जो लिखे हुआ है वो भी कट होने वाला है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज आपको है। चलते आगे, पेज नंबर पे आ जाओ आप, 73 के बाद में 74, तो 74 पे भी जो दिया यू शुड नो, ये बच्चों आपको पूरा का पूरा कैंसिल करना है, यू शुड नो जो देवा उन्होंने टाइप्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर, ये भी आपको पूरा का पूरा कट करना है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, फिर पेज नंबर 75 पे कुछ नहीं है, 76 पे भी कुछ नहीं है, 77 पे भी नहीं है, 78 बच्चों, 78 पेज नंबर 78 लिखा, आपके बुक का जो पेज नंबर 78 है उसको जल्दी से फटाफट ओपन करो, वहां पे देवा टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट है ना, टाइप्स ऑफ बजट, देखो बच्चों बजट जो है उसके जो प्रकार है वो आपको कट करना है, तो ये कहां से कट करना है, ये टाइप्स ऑफ बजट से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, पहला बजट है बैलेंस बजट, इसको भी कट करना है, सरप्लस बजट को भी कट करना है, डेफिसिट बजट को भी कट करना है। सर फिर और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ बच्चों इसके साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ बजट देवा है इसको भी कट करना है, पेज नंबर 78 से स्टार्ट हो रहा है तो 79 पे, तो आपको टाइप्स ऑफ बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट जो है ये दोनों क्वेश्चन आपको उड़ा देना है, तो ये साल नहीं पूछने वाला हूँ, ठीक है। चलो फिर सर मुझे तो डाउट है कि सर अगर उसने नहीं, अगर आ गया तो बेटा नहीं आने वाला, मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की अपने महाराष्ट्र बोर्ड की जो गाइडलाइन आई वो हिसाब से वो नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो चलो देखते हैं इसमें क्या कट हुआ। अब देखो आप बोल रहे थे सर डू यू नो सब कट हुआ क्या, नहीं बेटा इसका डू यू नो आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, काफी पूछे, पेज नंबर आ जाओ 85 के बाद में 86 के बाद में 87, तो 87 पेज नंबर पे पूछो बच्चों, देखो 87 पेज नंबर पे क्या दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, कि इंडियन मनी मार्केट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से आपको कट करना है, वो क्वेश्चन आपको ये साल के सिलेबस में पूछे नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट जो है इसको आपको कट करना है, जो 87 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों और वो 88 पे, आप देखो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन अ मनी मार्केट उसके पहले ऊपर तक 6 पॉइंट है बच्चों, 6 के 6 पॉइंट आपको यहां पे कट करना है। चलते आगे आगे पेज नंबर 90 पे आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 90, चलो अब पेज नंबर 90 पे आने के बाद में यहाँ पे देखा है प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल मार्केट इसको भी आपको कट करना है बच्चों, इसके 5 पॉइंट है, तो पेज नंबर 90 पे 5 पॉइंट जो दे हुए है प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको कट करना है। आगे चलते हैं, चलो मेरे साथ पेज, अब भी देखो नया टॉपिक आ गया हमारा 10 नंबर का, लास्ट टॉपिक है बच्चों फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो इसमें कौन सा रिड्यूस हुआ उन्होंने देखो यहाँ पे, चलते आगे 93 पेज नंबर, पेज नंबर 94 पे कुछ नहीं है, 95 पे उन्होंने कुछ नहीं कट किया, तो बच्चों अभी आप आ जाओ पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 96 दिख रहा है आपको,
तो पेज नंबर 96 पे ये जो आपको दिख रहा है रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट, अभी के रिसेंट ट्रेड कौन से एक्सपोर्ट में, तो ये क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से कट हो चुका, जो आपको ये साल वो नहीं पूछने वाला है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये कट करना है रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रेड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, यहाँ से ये क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, ट्रेड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, यहाँ से इसको कट करना है, रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट ये यहाँ तक कट करना है, और वो आ रहा है पेज नंबर 97 पे आ रहा है ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स के ऊपर तक, यानी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, पेज नंबर 96 से स्टार्ट करना है ट्रेंड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, तो आपको ट्रेंड इन इंपोर्ट के ऊपर तक उसको कट करना है। आगे चलो, बाद में बस 97 यहाँ तक ही बच्चों इन्होंने हमें सिलेबस देवा है। ओके, तो हमारा जो 10 टॉपिक थे बच्चों, हम आ जाते हैं पूरे 10 टॉपिक में, इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने कट किया वही क्वेश्चन आपको कट करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन मत कट करो। और दूसरा आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कट किए उसके बाद में अब आप यहाँ पे कहीं पे भी रिक्स मत लेना हो, यानी आपकी खुद की गेसिंग मत करना कि यार मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा या ये क्वेश्चन आएगा, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन रिड्यूस किए गए वही क्वेश्चन रिड्यूस होने वाले हैं, उस पर नहीं पूछे जाएगा, और फिर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो नहीं कट किए गए, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, 100% सिलेबस में 25% निकल गया है, तो जो 75% है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है बच्चों, अब वो 75% का जो सिलेबस था वो उसको 100% की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब है आप बाकी क्वेश्चन पे कहीं पे भी रिस्क नहीं ले सकते हो। और मैं तो फिर से बोलूंगा आपको कि बेटा आपने वो सिलेबस भी पढ़ना है जो कट करा, बिकॉज नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट उसको एक बार रीड कर लो, उसके बाद में आप उसको लर्न मत करो, बट बाकी सिलेबस आपको लर्न करना है कंपल्सरी, बिकॉज वो आएगा। ओके, तो चलो साथ ही ये बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अपने चैनल को कर लो, बिकॉज अभी हम लोग अकाउंट के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए कौन कौन से नहीं, साथ ही साथ एसपीओसी इंग्लिश के भी बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो अभी का जो सिलेबस था इकोनॉमिक्स का ये आज हमने देखा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा सिलेबस में चैप्टर रिड्यूस नहीं किए गए, कुछ पोर्शन रिड्यूस किए गया, इसलिए किए गए क्योंकि ये साल अभी नया सिलेबस आया हुआ है, ये नया सिलेबस आने के बाद में सभी टॉपिक्स इस तरह से डिजाइन किए जो आपको पढ़ना कंपलसरी है, और यही कारण है कि इसमें से डायरेक्टली टॉपिक उन्होंने रिड्यूस नहीं किए, बल्कि कुछ जो पॉइंट थे कुछ जो क्वेश्चंस थे जो उनको लगता है ये जरूरी नहीं था वो ही उन्होंने रिड्यूस किया, इसलिए आपको पूरे 10 के 10 चैप्टर यहाँ पे अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है, पढ़ना है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।